हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन केयर ब्यूटी सेक्शन में आज हम बात करेंगे एक होममेड हेयर ऑयल के बारे में, जो कि हम सौंफ की हेल्प से बनाएंगे, जिसको कि हम फेनल सीड्स भी कहते हैं। बहुत सिंपल सा तरीका है इसको बनाने का और ये बहुत हेल्पफुल रहेगा हमारे बालों की ग्रोथ के लिए, हमारी स्कैल्प की हेल्थ के लिए। और जिन लोगों के बाल एकदम बेजान रूखे हो गए हैं, वहाँ भी ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि हमें क्या क्या फ़ायदे होंगे इस सौंफ के तेल के। तो सौंफ का तेल जो है, ये हमारे बालों की ग्रोथ और स्कैल्प की हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि सौंफ में एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करते हैं। फ्री रेडिकल्स ही जिम्मेदार होते हैं हमारे हेयर फॉल के लिए और हमारे बालों में डेंड्रफ के लिए। सौंफ के तेल का दूसरा फ़ायदा होगा कि ये हमारे बालों को मॉइस्चराइज रखेगा, जो बालों में आमतौर पर रूखे और बेजान होने की समस्या है उसको दूर करेगा। बालों की अच्छी ग्रोथ और उसका नेचुरल शाइन बनाए रखने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है, लेकिन ऐसे प्रोडक्ट्स जिनमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में है, उनको जब हम यूज़ करते हैं तो वो हमारे बालों की जो नेचुरल शाइन है उसको वॉश ऑफ कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे बाल रूखे और बेजान हो जाते हैं। तीसरा फ़ायदा है कि ये हमारी स्कैल्प को क्लिंज करता है और इन्फेक्शन से बचाता है। सौंफ में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि हमारी स्कैल्प को किसी भी तरह के इन्फेक्शन से बचाती हैं, जिसकी वजह से हमारी स्कैल्प क्लिंज होती है। इसके साथ साथ हमारे बाल घने और मजबूत भी बनते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि हमें ये ऑयल कैसे बनाना है। तो हमें दो इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी, पहला है सौंफ और दूसरा है ऑयल। चाहे हम कोकोनट ऑयल ले लें या हम ओलिव ऑयल भी ले सकते हैं। तो हमें लेनी होगी आधा कप सौंफ और एक कप कोकोनट ऑयल। अगर आप ओलिव ऑयल ले रहे हैं तो वो ले सकते हैं। और उसके बाद एक पैन में सौंफ और ऑयल को मिक्स करके फ्लेम पर रख देंगे। जब एक बॉयल इसमें अच्छा सा आ जाएगा, उसके बाद गैस को मॉडरेट करेंगे, थोड़ा सा कम कर देंगे और करीबन 5 मिनट इसको ऐसे ही पकने देंगे। इसके बाद फ्लेम ऑफ कर देनी है और इस ऑयल को हम छान लेंगे जब ये ठंडा हो जाएगा। छानने के बाद हम इसको एक ग्लास जार में डालकर रख सकते हैं। इसको हम फ्रिज में स्टोर करेंगे तो ये कई महीने तक चलेगा। इसको लगाने का तरीका कि हम चाहें तो इसको हल्का सा गुनगुना गरम कर सकते हैं और फिंगर टिप्स की हेल्प से पूरी स्कैल्प पर और बालों की पूरी लेंथ में अच्छे से अप्लाई कर लेना है। आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं अपने बालों में, या शैम्पू करने से 2 घंटे पहले इसको बालों में अच्छे से लगा लें, मसाज कर लें और उसके बाद माइल्ड शैम्पू से अपने बालों को धो लें। इसको हम वीक में 1 या 2 बार यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑयल अच्छा लगा है तो आप इसको ज़रूर बनाकर रखिए और यूज़ भी कीजिए। ये बहुत हेल्पफुल रहेगा बालों की हेल्थ के लिए, और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। हमारी सभी वीडियोस हमारी ऐप और हमारी वेबसाइट पर भी अवेलेबल हैं, आप इन्हें वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।